ही है। मैं विधानसभा में गया था, बड़वा विधानसभा है और डिस्ट्रिक्ट उसका खरगोन है, इंदौर से 60 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे हमारे जो प्रत्याशी थे वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा एक वहाँ दूसरा वाला प्रत्याशी पार्टी छोड़ के भाजपा में चला गया था, उसका बहुत विरोध है। और हमारी वहाँ पे जो बड़वा विधानसभा का मैं प्रभारी था, वो सीट हमारी मिनिमम 35 से 40 हज़ार के मार्जिन से जीत के सीट आएगी। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, 135 से 150 के बीच का अनुमान है कि उनको सीटें मिलनी है। और उसके बाद जितनी भी हमारे 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं तो मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि हम 5 राज्यों में सरकार बनाएंगे। और 4 राज्यों में तो 100% है कि बनी हुई है, और एक आधे में कहीं थोड़ा बहुत है तो उसमें, पर उसमें भी हम सरकार बनाने की पूरी अच्छी स्थिति में है। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने महंगाई की बात से लोगों को बहुत तंग करा हुआ है, वहाँ जो पेट्रोल डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत और चीज़ें बहुत महंगी है, तो इस चीज़ में लोग बहुत परेशान हैं इनसे। मुख्यमंत्री साहब ने बोला है कि मैं इसको जल्दी से जल्दी इसकी मीटिंग लेके उसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। और भाखड़ा विस्थापितों को उसका पूरा अधिकार है और उनका जो भी डिमांड होगी उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये बात रखूंगा। हमारा ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से गोविंद सागर झील है, इसको भी डेवलप करने का पूरा जोरों पे काम चला हुआ है और इसकी सैंक्शन भी दे दी है, उसके जल्दी से जल्दी अब टेंडर होने की भी उम्मीद है। अभी अच्छा है, जैसे चिल्ड्रन के लिए लोन है वो भी हमने बहुत बढ़िया स्कीम निकाली हुई है, महिला सशक्तिकरण की एक स्कीम है उसको भी निकाला हुआ है। बाकी हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने RBI से बात करके हिमाचल प्रदेश में 25 नई शाखाएं भी खुल रही हैं, उनका भी अब ग्राउंड स्तर पे काम चल पड़ा हुआ है। सैंक्शन हमारे को मिल चुकी है, लाइसेंस हमारे आ गए हैं, वो भी जल्दी से जल्दी ब्रांचें 25 ब्रांचें हिमाचल प्रदेश में नई खुलने जा रही है।